ऋषि विदिप्ता की कहानी को किसने बताया फिल्मी, नेहा ने सुनाई खरी खोटी। क्या है पूरी खबर जानेंगे आप इस वीडियो में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी तमाशा पर। और यहाँ अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर किसने ऋषि और विदिप्ता की कहानी को फिल्मी बता दिया है और क्यों इस बात पर नेहा ने इतनी खरी खोटी सुनाई है। पूरी डिटेल्स, पूरी स्टोरी आप जानेंगे हमारी इस वीडियो में। वेल, खबर निकल कर सामने आ रही है इंडियन आइडल 13 के सेट से, यहाँ के दो कंटेस्टेंट से जुड़ी हुई, ऋषि और विदिप्ता से जुड़ी हुई। ये दोनों शो की शुरुआत के साथ ही लाइमलाइट में बने हुए हैं, एक दूसरे के साथ भी नज़र आ रहे हैं और इनकी कहानी सुर्खियाँ बहुत बटोर रही है। ऐसे में मजाक मजाक में इन दोनों को स्टेज पर बुलाते वक्त आदित्य नारायण ने ये कह दिया कि इन दोनों की कहानी जो है वो रियलिटी से ज़्यादा फिल्मी लगती है, ऐसा लगता नहीं है इनकी कहानी असली है। इस बात पर नेहा काफ़ी भड़क गई। जी हाँ, ऋषि और विदिप्ता की भड़कने से पहले इस बात पर नेहा भड़क गई और उन्होंने कहा कि किसी भी लव स्टोरी के लिए इस तरह की बातें करना या किसी के बारे में भी बिना सोचे समझे ऐसा कह देना, ये जो है वो गलत है। ऋषि और विदिप्ता अगर एक दूसरे के साथ हैं, अच्छी बात है, सबको ऐसा लग रहा है वो दोनों एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और अगर कल को वो अलग भी होते हैं तो ये उनका कॉल होगा, लेकिन अभी से उनकी कहानी को फिल्मी बता देना या इस तरह के एलिगेशंस लगाना ये बिल्कुल गलत है। हालांकि आदित्य नारायण बाद में ये कहते हुए नजर आए कि वो सिर्फ फनी वे में यानी कि मजाकिया अंदाज में इस तरह की बातें कर रहे थे, ऐसा कुछ भी वो नहीं सोचते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।